हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं एसीएफ रेंजर में जो मैथ्स का पोर्शन था उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना था और क्या एक सही अप्रोच होना चाहिए था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, मतलब जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आए थे और किस प्रकार से हमारा अप्रोच होना चाहिए था सही तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए देखते हैं जो मैथ्स का क्वेश्चन था। पहला, यदि 4x प्लस 1 होल क्यूब, क्वेश्चन है आपके सामने 4x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3x माइनस 4 क्यूब 2 माइनस एक्स होल क्यूब बराबर 3 4x प्लस 1 3x माइनस 4 और यह है 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो हमको x का मान निकालना है। चलिए देखिए, ये आपका इक्वेशन दिया गया है। अगर थोड़ा सा इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो हमको एक चीज तो नजर बिल्कुल आ सकती है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर क्या दिया हुआ है, 3abc ये दिया हुआ है। अगर मैं 3abc को पक्षांतर करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड लाता हूं, तो ये ऐसा हो जाएगा माइनस 3abc बराबर 0, ऐसा हो जाएगा बिल्कुल। ये कंडीशन के लिए यह कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो जाए तब ये कंडीशन फुलफिल होती है, अप्लाई होती है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो बस करना था, हमको x का मान मिल जाता। क्या है यहां पर, तीनों को जोड़ना है, मतलब कि 4x प्लस 1 प्लस 3x माइनस 4 प्लस 2 माइनस x बराबर जीरो। चार और तीन सात, सात में से एक एक्स गया तो छह एक्स, एक में से चार गया माइनस थ्री, माइनस थ्री प्लस टू मतलब कि माइनस वन बराबर जीरो, सिक्स एक्स बराबर ये एक हो जाएगा और एक्स बराबर एक बटे छह हो जाएगा, जो कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या था, कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर सी है ये, ऑप्शन नंबर सी एक बटे छह करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये आपको एलजेब्रा में पढ़ाया गया है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए एवं बी मिलकर एक काम को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया और 31 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया तथा पूरा काम 52 दिनों में पूर्ण हो गया, ए अकेले इस काम का 66 सही 2/3% कितने समय में पूरा कर सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कितने सिंपलिसिटी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। ए व बी मिलकर एक काम को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं, इसका मतलब अभी कुछ दिन पहले मैंने टाइम एंड वर्क मतलब एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराया था मंडल निरीक्षक के लिए, तो उसमें मैंने ये तरीका बताया था कि अगर ए व बी मिलकर किसी काम को, अगर इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात करूं, ए व बी किसी काम को 45 दिनों में कर सकते हैं, तो ये हमारे एक प्रकार का टोटल वर्क मिल गया हमको। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू तो किया लेकिन 31 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया, 31 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब ये हुआ कि 31 दिन तक तो दोनों साथ में काम किए होंगे। ठीक है ना, ए व बी 45 दिनों में काम कर सकते हैं, तो ये हमको एक प्रकार का टोटल वर्क मिल चुका है। अगर मान लो ऐसा नहीं होता, कुछ अलग प्रकार से सिचुएशन होती कि ए व बी मिलकर के 31 दिन तो काम करते हैं, मिलकर के 31 दिन तो काम करते हैं लेकिन उसके बाद बी छोड़ देता है, आगे क्या है, अगर बी ने छोड़ दिया तथा पूरा काम 52 दिनों में पूर्ण हो गया। देखो पूरा काम हो रहा है 52 दिनों में, 31 दिनों के बाद बी ने छोड़ दिया, मतलब इसका यह हुआ कि बाकी बचा हुआ 21 काम कौन करेगा, ए करेगा, जब बी छोड़ के चले गया तो ए ही करेगा, इसका मतलब जो 21 काम है उसको कौन करेगा, ए करेगा। और आगे क्या लिखा हुआ है, ए अकेले इस काम का 66 सही 2/3% कितने समय में पूरा कर सकता है। चलिए पहले तो हमको एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, अब ये हमारा इक्वेशन है कि ए व बी किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं, ये किसके बराबर होगा, ए प्लस बी, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 31 से, क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि ए व बी दोनों ने मिलकर 31 दिन काम किया था, बी ने छोड़ दिया, बाकी बचे हुए काम को 21 दिन में क्या करेगा, ए करेगा। 21 कहां से आया, टोटल काम 52 दिनों में पूर्ण होता है, 31 दिन तक तो बी साथ था, उसके बाद ए ने कितने दिन अकेले काम किया होगा, तो 21 दिन अकेले काम किया होगा, यहां से मुझे क्या मिल जाएगी, इफिशियंसी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी देखते हैं, 45A प्लस 45B
इकतीस ए प्लस इकतीस बी प्लस इक्कीस ए, ठीक है ना। मतलब कि 45a इसमें से माइनस कर दूंगा मैं, 45a माइनस इकतीस ए माइनस 21, इन दोनों को जोड़ दो, 30 50 ये 52 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां से 31b माइनस 45b, कोई बात नहीं, माइनस माइनस आएगा माइनस कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता। तो 52 में से 45 मतलब कि 7a माइनस 7a, चलो 21 और 45 मतलब 31 और 45 14, 14b माइनस, देखो माइनस माइनस कर लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ ए अपॉन बी बराबर क्या हो जाएगा, 14/7, मतलब कि 7 × 7 = 14। इसका मतलब ए और बी की जो इफिशियंसी का जो रेशियो मिला है मुझे, क्या मिला है, 2:1, 2:1। अब मुझे क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है, एक बार टोटल वर्क निकल जाए अपना काम आसान है। तो यहां से ए और बी की इफिशियंसी रख दो, ए की इफिशियंसी क्या हो गई 2, बी की इफिशियंसी क्या हो गई 1, ठीक है। ये आ गया आपका टोटल वर्क, 2 × 1 = 3, 3 × 45 मतलब क्या हो जाएगा, 40 × 3 = 120, 5 × 3 = 15, 120 × 15 = 135। ये आ गया आपका टोटल वर्क, जो कि हमारा टारगेट होता है टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में। अब पढ़ो क्या लिखा है, एक इस काम का 66.3% कितने समय पूरा करेगा। पूरा काम नहीं करना है हमसे, क्वेश्चन में पूरा काम करने नहीं पूछा है हमसे, उस काम का 66.3% पूछा है। अब ये 66.3% मतलब कितना, कितना तो 66 किया मतलब 60 किया 180, 6 किया 18, 180 और 18 198, 198 और 2 जोड़ूंगा तो 200, 200/3 यहां पर एक 100, मतलब कि उस काम का 2/3 परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना पड़ता है, तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है। परसेंटेज की क्लास नंबर 1 जो कि आपके कोर्स में डेमो में फ्री में भी अवेलेबल है, देख लीजिएगा। इस प्रकार से परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू का खेल मैंने बताया था। तो हमें इस काम का पूरा हिस्सा नहीं करना है, हमें इस काम का 2/3 हिस्सा करना है, मतलब कि 2/3 हिस्सा करना है। तो 135 का 2/3 कितना हो जाएगा, 3 × 4 = 12, 1 × 3 = 15, 45 × 2 = 90। ये इस काम को हमें पूरा करना है, और कौन करेगा, ए करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। तो इस 90 काम को 2 करेगा, ए करेगा अपनी एफिशिएंसी के साथ जो कि 2 है, ये कर जाएगा 45, और 45 डेज आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, बी, ये हुआ, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना था, हमको पहले की क्वेश्चन बनाना था, ए और बी मिलकर 45 डेज में कंप्लीट करते हैं। लेकिन कुछ अलग देखिए, कभी भी ऐसा होता है तो हमको एक ही क्वेश्चन दिया रहता है कि ए और बी मिलकर के 45 दिन में कर लेते हैं, ठीक है कर लेते हैं। उसके बाद यदि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो वैसी ही कहानी आगे है कि यदि ए व बी मिलकर 31 दिन काम करें, या यूं कहूं कि बी 31 दिन के बाद काम छोड़ दे, दोनों का मतलब है कि तो बाकी बचे हुए काम को ए मिलकर, ए अकेला 21 दिन में करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था कि पूरा काम क्या है, ऐसे में 52 दिनों में पूर्ण होता है। तो 31 दिनों के बाद बी छोड़ दिया, तो 52 में मैं क्या करूंगा, 31 घटा दूंगा, तो मुझे मिलेगा 21, मतलब बाकी बचे हुए काम को ए ने किया होगा, ठीक है। यहां से मुझे इफिशियंसी मिल गई, मैंने इफिशियंसी को रख करके टोटल वर्क निकाला। अब टोटल वर्क निकालने के पश्चात क्वेश्चन में छोटा सा ट्विस्ट था कि पूरा मुझे काम नहीं करना था, उस काम का 2/3 हिस्सा करना था। तो इस काम का 135 का 2/3 कितना निकाला मैंने, 90। इस 90 काम को कौन करेगा, ए करेगा। कैसे करेगा, अपनी इफिशियंसी के साथ करेगा, अपनी इफिशियंसी मतलब कि 2 के साथ करेगा, 2 के साथ काम किया, 45 डेज आपका आंसर आ गया है। ऐसे क्वेश्चन होता है सॉल्व, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क मैंने पढ़ाया हुआ है, कॉन्सेप्ट समझाया है मैंने, ठीक है। जितना आप कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डूब करके पढ़ेंगे, उस प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर में आए बिल्कुल बन जाएगा। चलिए आगे, पेट्रोल की कीमत, ये वाला क्वेश्चन भी क्लास में मैंने एक बार बताया, पेट्रोल की कीमत 28.4% बढ़ी। देखो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, बिल्कुल जैसा मैंने समझाया हूं अपने क्लास में उसी तरीके सॉल्व करूंगा, कुछ अलग मेथड लेके नहीं आऊंगा, बिल्कुल वही तरीका बता रहा हूं। परसेंटेज की क्लास नंबर 1 में मैंने बहुत सारा परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू बताने का तरीका बताया, कुछ तो वैल्यू मैंने नोट करा दिया है कि इसको आप बिल्कुल याद कर लो, और जो कुछ ऐसी प्रकार की वैल्यू आती है तो हमको तरीका पता है, 28.4% परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है। चाहे तो आप जिन्होंने कोर्स परचेस नहीं किया है, फ्री में अवेलेबल है, परसेंटेज का Part 1, Part 2 मैंने रखा है, फ्री में है, चाहे तो आप वहां जाके देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, और ऐसे पेपर में जहां थोड़ा सा अलग कर दे वैल्यूज को तो कैसे काम आता है ये तरीका। अभी तो फिलहाल मुझे क्या करना है, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा पूरा तरीका ही फ्रैक्शन वैल्यू पे बेस्ड होता है। तो 28.4/7
कन्वर्ट कर दो, 20 सत्ते 140, 8 सत्ते 56, ठीक है, ये हो गया 196, इसका इससे गुणा किया हूं तो आया है ना, ठीक है। अब 196 प्लस 4 200 बटे 7, और फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहां 100 से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, तो 100 × 2 = 2/7, ठीक है, ये हुआ। तो पेट्रोल की कीमत इतनी बड़ी है, तो पहले कितनी थी, 7 थी, अब कितनी हो गई, 7 से 2 जुड़ने के बाद 9 हो गई, पहले थी 7 अब हो गई 9। अब पेट्रोल की खपत पे कितनी कमी कम कर देनी चाहिए, कितनी कमी करें कि खर्च में केवल 17% की ही वृद्धि हो, खपत मूल्य, ठीक है, और ये खर्च, खर्च में केवल 17% क्या दिया है, खर्च में केवल 17% की वृद्धि हो। अब 17% की फ्रैक्शन वैल्यू कहां से निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं, 17/100, ठीक है, पहले 100 वृद्धि हो बोला है तो यहां से 100 में जोड़ दूंगा तो 117 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, एक्सपेंडिचर है, हमें निकालना है एक्स वाई, हमें निकालना है खर्च, किस खपत में कितनी कमी करना पड़ेगा, सिंपल सा तरीका है, क्या है, वही तीर वाला तरीका, क्या, अगर मैं यहां से आगे बढ़ता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, जहां से तीर निकला था वहां पे वो वैल्यू मुझे प्राप्त होगी, 117 में 7 गुणा करूंगा तो मुझे y मिलेगा, कर देते हैं गुणा, क्या दिक्कत है, 100 सत्ते 700, 17 सत्ते कितना होता है, तो 17 सत्ते होता है 119, ये हो गया 819, ठीक है ना, 17 × 102 = 119, ठीक है, तो ये y बराबर क्या आया, 819। अब यहां से तीर निकलेगा, 9 को जाकर टकराएगा, कहां से निकला था उसके ऊपर लिखाना है, 900 का गुणा 9 से 90 900, तो 900 आएगा यहां, ये तीर वाला सब कुछ मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो है, ठीक है ना, ये पूरा तरीका मेरा पढ़ाया हुआ ही तरीका है, जो बिल्कुल सेम टू सेम पेपर में देखने मिला है। तो क्या हुआ है, कमी हुई है, और कमी तो हमको क्वेश्चन में लिखी गई थी कि कितना परसेंट की कमी कर दे, नहीं भी लिखी होती तो भी हम निकाल लेते कि 900 से 819 हुआ है, मतलब कमी हुआ है, बताओ भैया कितना कम हुआ है, 900 से 819 कम हुआ, कितना कम हुआ, 81 कम हुआ, 900 से 819 घटा कर देखो कितना है, 81 आएगा, 81 कम हुआ है भैया, हमेशा कम हुआ या बड़ा प्रीवियस वैल्यू पर काउंट करते हैं, मैंने कितने बार बताया है, तो ये जो है प्रीवियस वैल्यू है, परसेंटेज में निकालना है ना, 100 से गुणा, 2 0 से 2 0 किया, 9 × 81 9% आंसर है, कौन सा ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर सी क्या है, 9%, ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर, ये होना चाहिए था क्वेश्चन को सॉल्व करने का बिल्कुल अति उत्तम तरीका, और ये सारे तरीके मैंने पढ़ाया हुआ है अपनी क्लासेस में, उसे आप जाकर के देखिए, किसी को कोर्स परचेस करने संबंधी कोई भी समस्या आती तो बिल्कुल मुझे इस नंबर पर कॉल कीजिए, ठीक है, बहुत लोगों ने कॉल किया है 83645, ठीक है, और क्या क्या करना है, इस नंबर पर कॉल करना है, और ज्यादा बेटर है कि आप तो सबसे पहले भूपेंद्र मिश्रा इस ऐप को इंस्टॉल करो, ठीक है, वहां पर स्टोर में जाओ, स्टोर में जाओ आपको सभी क्लासेस मिल जाएगी, अगर आपको पूरा कॉम्बिनेशन एक साथ चाहिए तो आपको 2999 में मिल जाएगा, इसमें कंप्लीट पैकेज मिलेगा, टोटल व्यापम के जितने एग्जाम होते हैं सबके लिए, और अगर आपको इंडिविजुअल मैथ्स रीजनिंग चाहिए तो 1499, अगर मात्र इंग्लिश बस चाहिए तो 499, और इंग्लिश के अगर इंग्लिश के अलावा आपको छत्तीसगढ़ चाहिए 1499, ये है, ठीक है ना, ये इंग्लिश का, ये सीजी का, ये वाला मैथ्स रीजनिंग का, ये वाला है कंप्लीट, और ये प्राइस आपको दिख रहा है इसको देख करके, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपने देखा कि यार इतना महंगा है, ये है वो है, सस्ता करो ये करो, तो आप एक बार कॉल कीजिए इस नंबर पे, जितना भी संभव प्रयास होगा हमारे तरफ से, जितना डिस्काउंट आपको जिस सुटेबल प्राइस में चाहिए बिल्कुल मैं देता ही हूं और देते ही जाऊंगा हमेशा, ठीक है ना। तो ये हो गया कि आपको अगर ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस पेपर में सॉल्व करने हैं तो क्या अप्रोच लगाना है, क्या तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, उन तरीकों को सीखना है तो कोर्स परचेस कर करके आप आराम से चीजों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे हम बढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वह मूलधन राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों के लिए अर्जित साधारण ब्याज 5500 रुपए, देखो ऐसा ही साधारण ब्याज 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना 5500 रुपए, 5 वर्ष के लिए है ना, 2 वर्षों के लिए अर्जित 2 वर्ष का, 2 ईयर का सीआई कितना लिया है 2288,
22 88 दिया है। तो मान लीजिए दोनों स्थिति में ब्याज दर समान है, आर क्या है, आर परसेंट क्या है, समान है। हमको वैसे निकालना क्या है, मूलधन राशि निकालना है। ठीक है, हमको 5 वर्ष के साधारण ब्याज दिया है, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, दोनों स्थिति में ब्याज समान है, तो मूल पी का मान निकालना है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका। 5 वर्ष हमको एक चीज पता है, क्या चीज हम जानते हैं, साधारण ब्याज दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। एक फॉर्मूला है डिफरेंस पी आर बाय 100 इसका होल स्क्वायर, ये है। अगर मुझे डिफरेंस पता हो, दो साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पता हो, इसमें लगाकर हम निकाल सकते हैं। लेकिन अभी बात क्या है, हमें तो अभी कुछ नहीं पता। आर समान दिया है, ठीक है, पी तो हमको खुद निकालना है, और डिफरेंस भी अभी हमने कैलकुलेट किया नहीं है। तो एक एक करके क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखते हैं कैसा होगा। 5 वर्ष का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज 5500 रुपए है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। अगर मैं मात्र 1 वर्ष का निकालूंगा, 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 वर्ष का 5500, 5 वर्ष का 5500, 1 वर्ष का 1100। 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना 5500 है, 1 वर्ष का 1100 है, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा। अब एक को छोड़ो, दो पे आओ, 1 वर्ष का 1100, 2 वर्ष का 2200, 2 वर्ष का 2200। इसका मतलब 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2200, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2288 रुपए। दोनों का अंतर कितना हो गया, 2200 और 2288 का अंतर कितना हुआ, 88 हो गया। डी की वैल्यू मिल गई। समझे किस प्रकार से किया गया है, 5 वर्ष का 5500 दिया था, घुमाने के लिए दिया गया था कि आप 5 वर्ष का सोचो। हमको 5 वर्ष से मतलब नहीं है, हमको 2 वर्ष का कैलकुलेट करना है। मैंने 1 वर्ष का निकाला 1100, 2 वर्ष का निकाला 2200, सीआई दिया था 2288, दोनों का अंतर 88 जो कि आपके सामने। ठीक है, हमको पी निकालना है, ठीक है, लेकिन उसके पहले आर बोलेगा पहले मुझे फाइंड आउट करो, आर बोलेगा पहले मुझे फाइंड आउट करो, तो आर फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए एक तरीका, ट्री मेथड, मैंने क्या बताया, ट्री मेथड भी काम आता है, फॉर्मूला भी काम आता है। जो आपको सही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके दे जाए, वो सही मौके सभी फॉर्मूले हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। ट्री मेथड क्या है, अगर 2 वर्ष की सीआई की बात हो रही है, तो ट्री मेथड में इस प्रकार का कुछ आपको याद आ रहा होगा, क्लास देखे होंगे मेरी, तो इस प्रकार से याद आ रहा होगा कि टोटल जो मैं करता था वही तो हमारा सीआई होता था, टोटल, ठीक है ना। 1 वर्ष का जो मेरा ब्याज आया है 1100, तो इस प्लेस में मैं क्या करता था, इस प्लेस में मैं क्या करता था, पी आर बाय 100 ऐसा करता था, तब मुझे यहां मिलता ये वैल्यू। मतलब 1 वर्ष का ब्याज अगर मैं बोलूं, तो ये पहले जगह जो मैं वैल्यू पुट करता था ट्री मेथड से, वो 1 वर्ष का ब्याज ही हुआ करती थी, जो कि यहां कितनी है, 1 वर्ष का ब्याज साधारण ब्याज ना, ये वाला पूरा जो होता है ये साधारण ब्याज होता है, ये वाला पूरा जो होता है वो साधारण ब्याज होता है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, इस क्वेश्चन में अभी मैंने बताया 5500, 5 वर्ष का है तो 1 वर्ष का 1100, 1 वर्ष का 1100, ठीक, दूसरे वर्ष का भी 1100 ही रहेगा साधारण ब्याज, तो दूसरा तीसरा चौथा वही रहता है। अब 1 वर्ष का 1100, दूसरे वर्ष का 2200, यहां पर जो वैल्यू आती है वह साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर आती है, अंतर कितना है 88, इन सबको जोड़ूंगा तो कितना आएगा 2288 चक्रवृद्धि ब्याज, ये देखो चक्रवृद्धि ब्याज 2288 दिया गया है। मुझे निकालना है आर, कॉन्सेप्ट को समझना, आर निकालना है मुझे। इस वैल्यू से इस वैल्यू तक पहुंचने के लिए हम कौन सा प्रोसेस करते थे, इस पर कितने परसेंट का ब्याज लगा होगा कि ये 88 बना है, क्या हुआ होगा, 1100 में आर परसेंट कितना हुआ होगा कि ये 88 रुपए मुझे मिला है, तो कितना हुआ होगा, 0 से 0 गया, 11 8 88, आर बराबर निकल गया भैया 8%। ये है तरीका, आर 8% निकल गया तो रख दो यहां पर आर 8%, 8/100 का होल स्क्वायर। पी 8/100 को 2 बार लिख लो, 8/100 8/100, 8 से क्या होगा, ये कट जाएगा 8 × 8 = 11, ठीक है ना, और ये हो गया आपका 100 100, मतलब 11 × 100 × 100 8 आ जाएगा यहां पे नीचे, और यही आपका पी। सॉल्व कर लेते हैं, देखो 4 × 2 = 4 25, ठीक है, 2 और ये 50, अब 50 25 × 125 125, मतलब कि 1250 × 11, ये है आपका पी। सॉल्व कर लेते हैं आगे क्या हो जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया मैंने, क्या होता है 0 0 और 5 को मैं जोड़ूंगा तो 5 आएगा,
पांच और दो को मैं जोड़ूंगा तो सात आएगा, दो और एक को जोड़ूंगा तो तीन आएगा, लास्ट में एक बच गया एक। ये है आपका 13,750 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझोगे, अच्छे से पढ़ोगे, सब कुछ बनता है, थोड़ा सा नजरिया बदलना पड़ता है बस, ठीक है। ऐसा घुमा फिरा के कहां कहां से आर निकाला, कहां से डी निकाला, कहां तक आंसर तक पहुंचा, ये सभी आप कर पाएंगे अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो, ठीक है। ये हुआ तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का, 13,750 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूं, पांच वर्ष का SI 5500 रुपए, तो एक वर्ष का 1100, दो वर्ष का CI 2288 रुपए, दो वर्ष का SI निकाल लो, हमको डिफरेंस मिल जाएगा 2200 और 2288 का डिफरेंस 88 रुपए डिफरेंस मिल गया मुझे, ठीक है। अब मुझे R पता करना है, ट्री टेबल से हम जानते हैं अगर ये पूरा टोटल 2288 बन रहा है, उसमें एक ही लाइन 2200 बन रही है और एक वर्ष का जो SI है वो 1100 रुपए है, तो 1100 ये मिलके 2200 बना, और ये जो लाइन होती है SI की होती है, ये जो होती है डिफरेंस का होता है। तो जब हमारा SI 2200 रुपए है तो पूरा ये जो टोटल होता है ये पूरा होता है CI मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहां वाली वैल्यू तो 88 ही रहेगी। हमको एक बार डिफरेंस पता चल गया, डिफरेंस मैंने यहां रख दिया, R डिफरेंस तो मुझे पता था ही, अब मुझे एक बार डिफरेंस पता चल गया तो मुझे R निकालना है। मुझे पता है कि यहां से यहां तक लाने का तरीका ट्री मेथड से कैसे निकालते हैं, इसको बोलते हैं हम P, और इसमें P R by 100 करते हैं तो मुझे ये मिलता है, मतलब 1100 में अगर मैं R by 100 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये वाली वैल्यू मिलेगी। इस तरीके से मैंने R फाइंड आउट किया, R मिल गया अगर मुझे एक बार तो मुझे P निकालना फिर कोई बड़ी काम बड़ा काम नहीं है, आराम से कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं। ये हुआ इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बेस्ट तरीका। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, किस प्रकार से सोल्व करना है। ये ट्री मेथड भी पढ़ाया हुआ चीज है, ठीक है। अलग अलग मेथड इसलिए बताता हूं ताकि फॉर्मूला जहां काम आएगा वहां फॉर्मूला सही, जहां मेथड काम आएगा वहां मेथड सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ऋषभ और रोहित ने समान राशि का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। समान राशि का मतलब कि इन दोनों ने एक्स रुपए लगाया, अगर एक्स लगाया ऋषभ ने, इस प्रकार से लिख देता हूं, ऋषभ है मतलब कि RS कर देता हूं, रोहित को RS कर देता हूं, तीसरा व्यक्ति कौन है आगे क्वेश्चन, समीर, समीर को मैं SM कर देता हूं, ठीक है ना। तो दोनों ने समान राशि, मान लो एक्स रुपए इसने लगाया, एक्स रुपए इसने लगाया, दोनों की राशि समान थी करके मैंने एक्स मान लिया। चार महीने बाद 3.5 लाख रुपए का निवेश करके उनसे जुड़ जाता है समीर, ठीक है ना। समीर चार महीने बाद जुड़ता है, मतलब ये 8 महीने के लिए ही इन्वेस्ट किया है, 3.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, तो 3.5 लाख इंटू 8 मैंने क्यों किया ऐसा, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम वो होता है प्रॉफिट का रेशियो, ये मैं प्रॉफिट का रेशियो निकालता हूं, ठीक है। अच्छा, समीर के शामिल होने के 4 महीने बाद रोहित अपना निवेश वापस लेके व्यवसाय छोड़ देता है, मतलब रोहित शुरू से जुड़ा था, समीर शामिल हुआ। देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार समझेंगे, समीर 4 महीने के बाद शामिल हुआ, मतलब कि समीर यहां पर ऐड हुआ, ठीक है। इसके 4 महीने के बाद रोहित छोड़ दिया, इसका मतलब इस पॉइंट पर रोहित छोड़ दिया, मतलब टोटल ये 8 महीने के लिए ही इसने अपनी इन्वेस्टमेंट रखा है, ठीक है। तो ये हो गया इस प्रकार से, मतलब कि रोहित की इन्वेस्टमेंट भी 8 महीने के लिए लगाई गई। आगे वर्ष के अंत में व्यवसाय, मतलब कि ऋषभ जो है इसका जो है इन्वेस्टमेंट टोटल 12 महीने के लिए था, क्योंकि इसने पैसा नहीं निकाला, ठीक है। हाँ, तो ये है आपका 12। अब पूरा क्वेश्चन मैंने एक साथ क्यों नहीं पढ़ा, पूरा क्वेश्चन पढ़ने में कंफ्यूजन और क्रिएट होता है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हमको जितना इनपुट मिलते गया मैंने वहां उसको बिल्कुल शामिल कर लिया, ठीक है। 305 पॉइंट है, शामिल कर लिया। अब देखते हैं आगे क्या है। वर्ष के अंत में टोटल जो लाभ हुआ है 56,550 रुपए का हुआ है, 56,550 रुपए का लाभ हुआ है, जिसमें से ऋषभ अपने हिस्से, लाभ के हिस्से का 21,750 ऋषभ का हिस्सा था, 21,750 रुपए ऋषभ का हिस्सा था। समीर को उसके लाभ के हिस्से के रूप में कितना भुगतान किया जाना चाहिए, समीर का हिस्सा निकालना। सबसे पहला चीज इसको सिंप्लीफाई कर लो रेशियो में, क्योंकि पार्टनरशिप है क्या, एक प्रकार का रेशियो ही तो है पूरा, 4 × 8 = 12, तो ये क्या हो जाएगा 3x 2x 3.5 × 7। अब देखो ये रेशियो 3x 2x, यहां कुछ एक्स कुछ नहीं लगा, इसको अलग से कुछ बोलना पड़ेगा, ताकि इसको मैं 7 इकाई मान लेता हूं, ठीक है ना। कि समीर का इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन है, मतलब कि जो प्रॉफिट का जो रेशियो है, यहां 3x रेशियो 2x रेशियो 7 इकाई के फॉर्म में है, बस ये,
अब देखो इन सबको मैं जोड़ूंगा तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 56,550, मतलब 3x प्लस 2x प्लस 7 इकाई कितना है 56,550, मतलब कि 5x प्लस 7 इकाई बराबर कितना है 56,550। हमको 7 इकाई निकालना है ना, क्योंकि तो समीर का जो भी था कितना उसको मिलेगा, उसके हिस्से में कितना पैसा आएगा, जितना इनका प्रॉफिट, किस प्रॉफिट किस हिसाब से बढ़ता है, उनके प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो जो हमने निकालते हैं उस हिसाब से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमको पता है। अब ये जो हिस्सा है 21,750 रुपए है, यह किसका है, ऋषभ का है, इसका हिस्सा कितना है 3x, तो 3x बराबर क्या दिया गया है हमको, 3x बराबर हमको दिया है 21,750 रुपए। एक्स का मान निकल जाएगा 21,750 रुपए बटे 3, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, ठीक है 1, 3, 5, 15, 7,250। एक्स का मान निकल गया तो मैं यहां एक्स का मान रख देता हूं 5 × 7,250 प्लस 7 इकाई बराबर 56,550। ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 0 हो जाएगा, 5 × 5 36 का 5 × 2 5 × 10 12 × 2 16 1 × 5 36 36,250 प्लस 7 इकाई बराबर 56,550। अब मुझे इसका मान निकालना है तो बाकी इसको मैं पक्षांतर कर देता हूं, 7 इकाई का ही तो मुझे मान निकालना है, तो मैं 56,550 माइनस 36,250 कर देता हूं, यहां करता हूं मैं, कितना है 56,550 36,250 जीरो हुआ 3 हुआ 6 में 6 गया 0 5 में 3 गया 2 20,300 रुपए। ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है ना, समीर का जो हिस्सा है कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी ये हुआ। ऐसा है पार्टनरशिप का बढ़िया सा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इसके अलावा और हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती इसमें, एक चीज बस पता चल जाए, हाँ उसको इतने अच्छे समझना है इसके क्वेश्चंस को कि फिर आपसे कुछ भी क्वेश्चन आए बन जाना चाहिए। क्वेश्चन की लेंथ में मत जाओ कितना बड़ा है, उसके पॉइंट्स को देखो कितने छोटे हैं। आगे क्वेश्चन है, 1900 सैनिकों के लिए 90 दिनों का पर्याप्त भोजन है और प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 700 ग्राम भोजन करता है। देखो 1900 सैनिक है, ठीक है, 90 दिनों का पर्याप्त भोजन है, 90 दिनों का MD, उसके बाद कितना ग्राम भोजन है, मतलब कि यह है 700 ग्राम भोजन है, ये लोग है। फिर 56 दिनों के बाद 500 सैनिकों ने शिविर छोड़ दिया, 56 दिनों के बाद छोड़ा ना, 56 दिनों तक तो 1900 सैनिक ही थे, 56 दिनों तक तो 1900 सैनिक ही थे, 56 दिनों के बाद छोड़ा, 56 दिनों तक 1900 सैनिक ही थे और कितने 700 ग्राम के हिसाब से ही भोजन ग्रहण करेंगे, 56 दिनों तक तो सेम वैसे ही चल रहा था, ठीक था सब कुछ। फिर क्या हुआ, 500 सैनिकों ने शिविर छोड़ दिया, 1900 में से 500 सैनिकों ने शिविर छोड़ दिया, मतलब कि कितने बचे, 1400 बचे। तो प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 850 ग्राम भोजन करे, अगर 850 ग्राम भोजन करे तो शेष भोजन को बाकी सैनिकों के लिए कितने दिनों तक चलेगा, कितने दिनों तक चलेगा हमको नहीं पता, तो मान लो x दिनों तक चलेगा, ऐसा ठीक है, मान लो x दिनों तक चलेगा, ये है बस सॉल्व करना है इसको, कि 1900 सैनिकों के लिए जो 1900 सैनिकों के लिए 90 दिनों का पर्याप्त भोजन था और एक सैनिक जो है 700 ग्राम भोजन की खपत है। अब 56 दिनों तक तो बिल्कुल सही थे, लेकिन उसके बाद 500 सैनिक छोड़ देते हैं, फिर बाकी बचा हुआ जो है 850 ग्राम भोजन, प्रत्येक सैनिक फिर 850 ग्राम भोजन करेगा, उस हिसाब से फिर कितने दिनों तक जो शेष बचा हुआ है कि चलेगा, ये हमारा क्वेश्चन है शॉर्ट में, ठीक है ना, कि यदि प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 850 ग्राम भोजन करे तो शेष भोजन बाकी सैनिकों के लिए कितने दिनों तक चलेगा, x दिनों तक चलेगा हमने मान लिया, बस इसी को तो सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं यहां से 1900 700 माइनस करूंगा तो पक्षांतर निकल जाएगा, ठीक है, पूरा गुंथा लंबा छोड़ा मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत ही नहीं है, या फिर इसको वापस लिखने का क्या है, इसको अगर मैं माइनस बना दूं, थोड़ा ध्यान से समझना, इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो मतलब ये पक्षांतर हो चुका है और इसको मैं बराबर कर देता हूं, बताओ कुछ दिक्कत तो नहीं, कि अगर मान लो ये एक इक्वेशन था, मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड ला लिया, मैंने माइनस लगा दिया, अब प्लस एक्स अगर पक्षांतर होता तो माइनस एक्स होता है कि नहीं, इतना बेसिक, तो ये माइनस हो गया, इस हिसाब से राइट हैंड साइड में बस ये बचा है, ठीक है। अब यहां पे देखो 1900 और 700
ये कॉमन निकाल लेता हूं, 1900 × 700 बचेगा क्या, 90 × 56 90 माइनस यहां 56 हो जाएगा, यही बचेगा। और यहां से मुझे x का मान निकालना है तो 1400 × 850 यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा x का मान। ठीक है, चलो सॉल्व करो। 2 0 से 2 0 गया, 7 × 7 = 7, 7 × 2 = 14। ठीक है, यहां से आपका देखो 800 × 2 = 1600, 50 × 2 = 100, 1600 और 100 = 1700, इन दोनों खुड़ा करूंगा तो कितना आएगा, 1700 आएगा, कर देते हैं 1700। ठीक है, यहां से 2 0 और 2 0 गया, ये 1917 तो नहीं कटेगा। हाँ, 90 में 56 अगर आप माइनस कर देते हैं तो आता है 4 और 30 = 34, और ये देखो 17, अब हो गया काम हमारा आसान, 17 × 34 = 19 × 38। तो ये कैलकुलेशन करने का तरीका है, सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाया हुआ चीज है। ठीक है, आप भी सीख जाएंगे इस प्रकार से क्या करना पड़ता है, पेपर में कैसा दिमाग लगाना पड़ता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है 38 days है, इस क्वेश्चन का बढ़िया सा आंसर ऑप्शन कौन से नंबर पे था, ऑप्शन नंबर ए इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपने दोनों पुत्रों जिनकी आयु 12 वर्ष और 16 वर्ष है, दो पुत्र है, एक की आयु 12 वर्ष एक की आयु 16 वर्ष, ठीक, के बैंक खातों में 1,15,260 रुपए, 1,15,260 रुपए का निवेश करता है, कि उन्हें 21 वर्ष की आयु में, इस प्रकार करना चाहता है कि उन्हें 21 वर्ष की आयु में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान राशि प्राप्त हो। मतलब कि 21 वर्ष की आयु तक, 21 वर्ष की आयु में, मतलब कि इसका जो इन्वेस्टमेंट, इसका चक्रवृद्धि ब्याज जो लगेगा तो कितने साल के लगेगा, 12 से 21, मतलब कि 9 साल के लिए। ठीक है, 9 साल का CI, और 16 वर्ष वाला जो है उसको कितने साल के लिए, 5 वर्ष के लिए। ठीक है, 5 वर्ष का CI क्या है, कि उन्हें 21 वर्ष की आयु में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान राशि प्राप्त हो, मतलब कि समान राशि प्राप्त होती है। इसका मतलब हम जो भी एक 9 वर्ष का CI 5 वर्ष का CI लगने के पश्चात जो राशि बनती है वो क्या होती है, समान होती है। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं 9 वर्ष के बाद का अगर मिश्रधन है और 5 वर्ष के बाद का अगर मिश्रधन है, ये दोनों राशि क्या है, बराबर है। ठीक है, चलिए आगे, अब मुझे क्या बताना है, छोटे भाई का हिस्सा, मतलब कि ये जो 12 वर्ष वाला है इसका हिस्सा उसमें कितना होगा, टोटल राशि 1,15,260 रुपए है, इसके दो हिस्से कर देते हैं हम। पहला हिस्सा मैं मान लेता हूं x है, पहला हिस्सा मैं मान लेता हूं क्या है, x है, तो दूसरा हिस्सा कितना होगा, टोटल 1,15,260, एक हिस्सा x तो दूसरा हिस्सा 1,15,260 - x करूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो उतना बनेगा। ठीक है, अब इसमें कितने साल का, ये जो A1 है ये क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रधन है। ठीक है, और A2 क्या है, ये 5 साल का चक्रवृद्धि मिश्रधन है, A1 9 साल का चक्रवृद्धि मिश्रधन है। अब देखिए यहां पे, ये है 9 वर्ष का, ये है 5 वर्ष का। अब देखिए इसमें ट्री मेथड या अलग प्रकार का मेथड काम नहीं कर पाएगा, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, जहां पर क्वेश्चन अलग हुआ वहां पर हमको फॉर्मूले की हेल्प लेना पड़ता है। यहां पर हम जानते हैं A1 बराबर क्या होता है, तो A1 बराबर होता है P1+R/100। ठीक है, और यहां T ये होता है, यहां P1+R/100 T, ये है क्वेश्चन का एक प्रकार से जमावट, किस प्रकार से कहा गया है। पहला जो A1 है, मतलब कि 9 वर्ष के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो उसका कितना निकलेगा, तो P क्या है 9 वर्ष वाला, X धन है, 1+R/100। अब R/100 यहां पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर दी गई है, तो ये 20/100 हो जाएगा, कितने वर्षों के लिए है, तो 9 वर्षों के लिए है। P मतलब कि जो 16 वर्ष वाला जो पुत्र है उसके लिए जो निवेश किया गया है उसके लिए हमने हिस्सा क्या माने हैं, 1,15,260 - x माने हैं, दोनों में दर समान है, यहां पर भी 20% है तो मैंने यहां 20% कर दिया। ये वाला कितने वर्ष के लिए है, तो ये वाला 5 वर्ष के लिए। बस
अब यहां से हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहला काम, ये पांच है ये नौ है, इसको मैं तुरंत काट सकता हूं, ये पूरा का पूरा ये वाला इससे कट जाएगा, मतलब क्या आएगा ये चार, ठीक है, मतलब नौ माइनस पांच, आप ये जानते हैं ना कि अगर मान लो ये a अपॉन a की घात अगर b है या n m है, और यहां अगर देखा जाए a की घात n है, तो इसको मैं इस प्रकार से a अपॉन m बराबर a अपॉन में a अपॉन n ऐसे कर सकता हूं ऐसे करके, फिर a की घात m माइनस n, वही किया है, नौ माइनस पांच बराबर चार यहां से आया है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बीस एकम बीस, बीस पच्चीस सौ, मतलब कि ये क्या हुआ, एक्स वन प्लस एक बटे पांच की घात चार, और यहां पर एक लाख पंद्रह हजार दो सौ साठ माइनस एक्स, बस इतना बचेगा, वो तो पूरा का पूरा कट गया है, ठीक है। अब ये पांच और एक ही क्या हो जाएगा, छह बटे पांच, एक्स छह बटे पांच की घात चार, और ये एक लाख पंद्रह हजार दो सौ साठ माइनस एक्स, एक्स का मान हमें निकालना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, कहां सॉल्व करें, यहीं पर खाली हिस्से में। देखिए अभी कैसे होगा, अगर मैं यहाँ x नजर आ रहा है दोनों तरफ में काम करता हूं, इसको मैं छह का छह की घात चार है, तो इसको मैं छत्तीस का स्क्वायर बोल सकता हूँ क्या, बिल्कुल बोल सकता हूँ, छह का स्क्वायर उसका स्क्वायर है मतलब चार, यहां पर इसको मैं पच्चीस का स्क्वायर बोल सकता हूँ, और ये जो x है, ये जो x है इसको मैं इस प्रकार से सॉल्व करता हूं कि दो एक पंद्रह दो साठ माइनस एक्स, एक्स मान लेता हूं इधर, ठीक है ना, एक्स इसके मल्टीप्लीकेशन में है, अगर पक्षांतर में आ जाएगा तो ये इसके में पूरे डिवाइड में x आ जाएगा, क्लियर है। अब 36 का स्क्वायर मतलब कि कितना हो जाता है, ये 36 का स्क्वायर 1296, 25 का स्क्वायर होता है 625 बराबर 115260। अब ये डिवाइड बाय x अलग कर देता हूं और ये माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि x अपॉन x कैसे हुआ, ये x को मैंने अलग अलग कर दिया, ये माइनस, ठीक है, x अपॉन x यहां से कटके वन हो गया। चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 1296, 625, 115, 260 डिवाइड बाय x माइनस वन, ये माइनस वन वाला प्लस वन इधर हो जाएगा, तो 1296 बटे 625 प्लस वन बराबर 115260 डिवाइड बाय x। अब इसको दोनों को एलसीएम ले लो, 1296 प्लस 625 डिवाइड बाय 625, ठीक है, बराबर फिर वही लिखो। अब यहां से मुझे x का मान निकालना है, फिलहाल इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, छह पांच ग्यारह की एक हासिल आई, एक नौ एक दस दो बारह की दो हासिल आई, एक तो तेरह और छह कितना हो गया उन्नीस, 1921 डिवाइड बाय 625 बराबर 115260 बटे x। x का मान निकालना है तो मैं यहीं से ले आ लेता हूं, सीधे x ला लेता हूं इधर, ठीक है, 1921 था नीचे आ जाएगा इधर, इधर 625 था इधर चले गया, ठीक है। अब 115260 कोड़ी 625 डिवाइड बाय x उधर जा चुका है, तो बटे है 1921 के। अब यहां से इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे x का मान मिल जाएगा। बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये, कोई बात नहीं, कैलकुलेट हम कर लेंगे। कैसे करेंगे, इधर आ जाते हैं, क्या है 115260 कोड़ी 625 गुणा करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। चलिए देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे 1921 है ये 115000, मतलब कि 115 और यहां 19 के पहाड़े में 115 के आसपास कुछ आता है क्या आसपास, हाँ आता है, 19 छक्के 114 होता है, ठीक है। तो 1921 का गुणा अगर मैं 6 से करके देखता हूं, 1921 बट गुणित 6, तो 6 कम 6 छह तो समझिए 19 छक्के 114 और 115 आ गया 11526, मतलब कि ये पूरा का पूरा कटेगा, ये 6 और एक 0 मतलब कि 60 बार में, तो 60 गुणित 625 ये है एक्स बराबर, एक्स बराबर 60 गुणित 625 ये आएगा आपका। तो एक गुणा बस कर दो, 6 गुणा कर दो, 6 पंच 30 का 0 हासिल आई 3, ठीक है ना, 6 दूनी 12 3 15 की 5 हासिल आई 1, 6 छक्के 36 और 1 37 और एक 0 तो लगा ही हुआ था, तो ये आ गया आपका 37500 रुपए एक्स का मान। और एक्स क्या था, एक्स था उस हिस्से मतलब उस पुत्र का हिस्सा जिसकी उम्र क्या थी 12 वर्ष थी, और 12 वर्ष और 16 वर्ष में छोटा भाई कौन है, 12 वर्ष वाला है, और यही एक्स का मान ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा, 37500 जो कि है ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना था। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, क्या था क्वेश्चन, 115260 रुपए की राशि है, ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, 115260 रुपए की राशि है,
तो एक आदमी अपने दोनों पुत्रों के लिए एक का एक जो 12 वर्ष का है एक जो 16 वर्ष का है उनके लिए इन्वेस्ट करता है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से कितने 20% की दर से। तो इस प्रकार से हम जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कि 9 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होने के बाद जो राशि बनती है वह चक्रवृद्धि मिश्रधन कहलाती है और दोनों ही यहां पर क्या है बराबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है तो A1 बराबर A2 किया। A1 का फॉर्मूला क्या होता है जो एक कन्वेंशनल मेथड है P1+R/100T। अभी 9 साल के था तो मैंने 9 साल कर दिया। R बराबर वैल्यू पुट कर दिया। पहला हिस्सा मैंने क्या बोला X। टोटल 115,260 है तो पहला हिस्सा X और दूसरा हिस्सा 115,260 माइनस एक्स हो जाएगा। वो कितने साल के लिए है ये तो 16 वर्ष का है। 21 वर्ष होते तक वो काम करेगा मतलब कि यहां 5 वर्ष तो यहां मैंने क्या किया 5 वर्ष कर दिया। बस इसको फिर मैंने कैलकुलेट ही किया है और कुछ नहीं किया है। एक्स का मान निकालना है इस प्रकार से 37,500 एक्स का मान जो आया है वह किसका है तो जो 12 वर्ष का है जिस पुत्र की आयु 12 वर्ष थी 9 साल के पश्चात उसकी मतलब की राशि उसका हिस्सा कितना बनेगा तो 37,500 रुपए बनेगा। और यही इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना था। एक तगड़ा क्वेश्चन बहुत बढ़िया बहुत कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल और शॉर्ट ट्रिक्स लगाने वाला क्वेश्चन इसमें अप्लाई नहीं होता तो इसको कन्वेंशनल मेथड से हमने ट्राई किया। ठीक है चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसके बाद में एक और चीज कि जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे आप लोग उतना ज्यादा आपके लिए फायदा है। जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओ उतना ज्यादा आपका फायदा है। और अभी एक महीने बाद मेरे ख्याल से एक महीने से भी कम वक्त बचा है जेएस संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक उसका पेपर होने वाला है जिसकी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च किए हैं। ठीक है ना संपरीक्षक की जो टेस्ट सीरीज है 149 रुपए में आप परचेस कर सकते हैं। एक फ्री टेस्ट दिया गया है और 6 टेस्ट आपको उसमें पेड मिलेंगे जिसका पहला जो टेस्ट है वो कल अपलोड हो चुका है शाम को 5 बजे उसको आप दीजिए। ठीक है और देखिए कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। जितना टेस्ट देंगे जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। आने वाले दिनांक में डेट्स में जो मैंने बताया था आपको लगातार टेस्ट उसमें अवेलेबल होते रहेंगे। 25 तारीख को आपका लास्ट टेस्ट उसमें डलेगा तो बिल्कुल आप लोग टेस्ट सीरीज दीजिए। और अगर टेस्ट सीरीज परचेस करने में कोई भी समस्या होती है या फिर कोर्स परचेस करने में कोई भी समस्या होती है तो बिल्कुल इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिए। इसमें मैं ही कॉल रिसीव करूंगा और आपको जो भी समस्या है टेस्ट सीरीज कैसे परचेस करें क्या है क्या करना है उसके लिए क्या प्रोसेस होता है वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में आई एक ऐसा बिंदु है जो त्रिभुज की सभी भुजाओं से समान दूरी पर है। एबीसी 72 है तो ए आई बी और बी आई सी ज्ञात करो। देखो त्रिभुज एबीसी ठीक है। अब क्या है कि आई एक ऐसा बिंदु जो त्रिभुज की सभी भुजाओं से समान दूरी पर है। ऐसा बिंदु है मतलब कि ये ऐसा बोल सकते हैं हम अगर मैं इस प्रकार से कोणार्धक खींचूं ठीक है ना तो ये वाला जो बिंदु है ये है आई और यहां पर क्या दिया हुआ है एबीसी 72 है मतलब ये 72। एक काम करता हूं बी को यहां कर देता हूं ठीक है एबीसी ऐसा कर देता हूं एबीसी ठीक है एबीसी तो ये क्या है ये वाला कोण है 72 तो मुझे निकालना क्या है ए आई बी और बी आई सी। ए आई बी मतलब ये वाला कोण और बी आई सी मतलब ये वाला कोण ये दोनों को मुझे इसे पूरा निकालना है योग निकालना है पूरा निकालना है। तो कहीं से अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं 360 में से घटा दूंगा क्योंकि एक पूरा 360 का होता है 360 में से मैं घटा दूंगा ए आई सी को ठीक है ना जो भी आएगा मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है सबसे पहली बात तो यहां आएगा क्या अगर देखा जाए अगर मैंने दो कोणार्धक खींचा हूं और यहां पर प्रतिच्छेद हो रहा है तो ये वाला कोण क्या होता है देखिए अगर मान लो ये थीटा है तो ये वाला कोण क्या होता है 90 + θ/2 ये होता है। ठीक है इस प्रकार से अगर मैं प्रत्येक कोण प्रत्येक एंगल का कोणार्धक खींचता हूं ठीक है तो जिस बिंदु पर आकर के मिलता है उस बिंदु पर ये वाला जो कोण बनेगा ये इस कोण में क्या संबंध होता है तो 90 + θ/2 होता है। इसका मतलब ये हुआ कितना हो जाएगा 90 + θ/2 90 + 72/2 मतलब कि 90 + 72/2 मतलब कि 36 9 3 12 126 तो ये आया है 126 AIC कितना आया है 126 तो 360 - 126 यही हमारा आंसर आ जाएगा। ए आई बी और बी आई सी का योग यही होगा तो 10 + 6 = 4 तो ये हो गया 35 5 में 2 गया कितना हो गया 3 3 में गया 2
234 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है डी। ठीक है, ये हुआ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है ना। क्वेश्चन की भाषा यही थी कि सभी ऐसा बिंदु जो त्रिभुज की सभी भुजाओं से समान दूरी पर है, यह बिंदु त्रिभुज की सभी भुजाओं से, चाहे मैं ये वाली भुजा लूं तो भी इतनी ही दूरी पर है, चाहे मैं ये वाली भुजा लूं इतनी ही दूरी पर है, चाहे मैं ये वाली भुजा लूं इतनी ही दूरी पर है। तो ये बिंदु को आप ध्यान रखिएगा 90 प्लस थीटा बाय 2 होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 5675 रुपए है। अंकित मूल्य कितना है, मतलब एमपी कितना है, 5675 रुपए है, 5675 रुपए है, और इसे 20% और 6.25% की लगातार दो छूटों पर बेचा गया है। पहली छूट क्या है, 20%, दूसरी छूट क्या है, 6.25%। सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ाया हुआ चीज है, ठीक है। पहले हम आगे के क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले सक्सेसिव छूट है, मतलब कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/16, मतलब कि ये हो गया, अगर ये पहले 5 था तो एक डिस्काउंट का मतलब एक कम हो जाना, तो अब 4, एक कम हो गया तो 4, पहले ये 16 था तो एक कम हो गया, ठीक है ना, डिस्काउंट एक कम हो गया तो ये 15। तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट का पहले एकल छूट निकाल लो, एक सिंगल आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्काउंट। तो देखो यहां से काटने का तरीका बताया था, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 4 एकम 4, 4 चौके 16, अभी गुणा होता है 4 से 3 एकम 3, मतलब 4 से 3 हो गया। ठीक है, 4 से 3 हो गया, कहने का मतलब अगर मान लो एमपी, अगर यहां पर एमपी वैसे मुझे दिया गया है, लेकिन उसे बिना यूज किए भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पेपर के देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा बहकाने के लिए, या फिर ये कहूं उनको अपने कॉन्सेप्ट से हिलाने के लिए वैल्यूज को दी जाती है, हम बिना उस वैल्यूज को सॉल्व किए लिए उपयोग किए सॉल्व कर सकते हैं। 4/3 मतलब 4 से 3 हो गया। अगर मान लो एमपी मान लेता हूं मैं एक्स है, मेरे पास है एमपी दिया हुआ, लेकिन मैं फिर भी मान रहा हूं, अगर मान लो एमपी एक्स है तो 4 से 3 हो गया, मतलब एमपी का 3/4 हिस्सा ही आपको बेचने के लिए यूज किया गया है। एमपी अगर मान लो 100 रुपए, एग्जाम्पल के लिए 100 रुपए है, तो आपके आपने कितने में बेचा है उसे, तो आपने उसे बेचा है 75 रुपए में, इसका मतलब कितना डिस्काउंट, तो डिस्काउंट किया गया है 3/4 हिस्सा। ये 3/4 हिस्सा कहां से आया, ये यहां से आया, पहले 4 था अब 3 हो गया, पहले 4 था अब 3 हो गया, मतलब एमपी का 3/4 हिस्सा करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, बेचने वाला प्राइस। बेचने वाला प्राइस क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं। तो फिलहाल मैं यहां पे मात्र एसपी ही लिख देता हूं, अभी एसपी और सीपी के बारे में पता चलेगा मुझे कितना है। ठीक है, क्या है, यदि 25% का लाभ होता है तो वस्तु, हाँ 25% का लाभ होता है, यहां से मुझे एसपी मिल जाएगा, 25% का लाभ होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब ये होता है सीपी और ये क्या होता है प्रॉफिट, इसका मतलब क्या बन जाएगा एसपी, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 4 और 1 5, एसपी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो एसपी की जगह मैं रख देता हूं 5, और सीपी क्या है 4, सीपी क्या है यहां पर 4। जो भी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाया था वही तरीका अपना रहा हूं, कुछ मैंने शुरू में बताया था क्लास की, कुछ अलग चीज लेकर मैं आऊंगा बिल्कुल ही। हाँ, जहां पर फॉर्मूले कुछ अलग लाना पड़ेगा, जैसे कि 9 वर्ष 5 वर्ष वाला चक्रवृद्धि ब्याज, तो 9 साल का कहां सक्सेसफुल लगाते बैठेंगे, तो उसके लिए मैंने कन्वेंशनल फॉर्मूला लगा दिया। ये जो पढ़ाई गई चीजें हैं उसको यहां अप्लाई कर देता हूं, तो यहां सीपी 4 रेशियो, एसपी 5 रेशियो, एमपी का 3/4 भाग करूंगा तो वो मेरा एसपी बनेगा। ठीक है ना, अगर मैं एग्जांपल लिया 100 रुपए का 3/4 भाग करूंगा तो 75 में बेचूंगा, मतलब वो 75 मेरा एसपी है, तो यहां पर एक्स का 3/4 भाग करूंगा तो 5 रेशियो में बेचूंगा और 5 यहां पर एसपी है। ठीक है, तो ये क्या है, एक्स मैंने क्या माना है, इसे मैंने क्या माना है एमपी माना है, तो निकाल लेते हैं एमपी, मतलब कि एमपी लिखता हूं, चलो एक्स के जगह एमपी लिखता हूं, 5 और 20/3, तो ये है एमपी 20/3, एसपी 5, सीपी 4, सब कुछ मिल गया मुझे रेशियो में, सब कुछ मिल गया मुझे प्रतिशत में आंसर देना है, और आंसर क्या है कि यदि 25% का लाभ होता है तो वस्तु को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित किया गया था, क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित किया गया था। ठीक है ना, 20/3 सीपी से कितना ज्यादा है, क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया गया था, तो इनका अंतर किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट से, मतलब कि हम किसके सापेक्ष हम गणना कर रहे हैं, क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया गया था, तो क्रय मूल्य से हमारा कंपेरिजन होगा, क्रय मूल्य आ गया हमारा हर में जिससे हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य को, एमपी को क्रय मूल्य से कितना, मतलब कितना अंतर, कितना बड़ा करके अंकित किया गया था, तो
क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया गया था, तो क्रय मूल्य नीचे, ठीक है, प्रतिशत में हमको देना है आंसर, तो हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। इसका कहां यूज, हमारी मर्जी हम यूज करें या ना करें आंसर से मतलब, ठीक है। और ये हम आपका ऐसा कुछ पेपर थोड़ी होता है जैसे आपको माना कि वो क्या है ये क्या है उसको चेक करें, आपका आंसर है, आंसर ही आपको नंबर देता है। तो देखिए 20 बटे 3 माइनस 4 मतलब कि 4 किया 12 मतलब 20 माइनस, इसको थोड़ा सा और कर देता हूं, चलो 20 माइनस 4 और 3 का 12 बटे 3 डिवाइड बाय 4 गुणित 100, ठीक है। यहां से 20 में 12 गया 8, 8 बटे 3 और ये हो गया 4 गुणित 100 और ज्यादा 8 बटे 3 गुणा करूंगा तो 4 ऊपर चले जाएगा और बटे 1 ऐसा कर लेता हूं, ठीक है, नहीं 1 बटे 4 हो जाएगा क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है, ये 4 बटे 1 ही तो है, a अपॉन b c अपॉन d, तो a अपॉन b किया मैंने 8 बटे 3, c अपॉन d जब ये भागित वाला गुणित में कन्वर्ट होगा तो c अपॉन d क्या पलट जाता है 1 ऊपर 4 नीचे, 4 गुणी 8 और ये 100 का 100 है, कोई परसेंट निकाल रहे करके 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 बटे 3 गुणित 100। अब ये 2 बटे 3 गुणित 100 मतलब कि सीधे सीधे डायरेक्टली मैं इसको ये फ्रैक्शन वैल्यू है परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट कर दूंगा, 66 सही 2/3%, यही है इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। या फिर 2/3 ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 गुणा में 100 में करूं 200/3, अब करके देख लो 3 × 18 2 × 3 × 18 दो बचा 66 सही 2/3%, यहां से निकाल सकते हैं। पर अगर आपने मेरी परसेंटेज की फर्स्ट क्लास देखे हैं जिसमें मैंने कंप्लीट, वो क्लास फ्री है ना, उसके लिए आपको पे करने की जरूरत नहीं है, वो डेमो क्लास है फ्री है, उससे मैंने पूरा परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ाया है, ऐसे काम आता है। 2/3 देखा, इसको मुझे परसेंट गुणा 100 से गुणा है, इसका मतलब ये क्या है, मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो 2/3 के प्रतिशत वैल्यू 66 सही 2/3 होती है, डायरेक्ट कर लो, ठीक है। ये हुआ इसका सॉल्यूशन, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना था बिना हमको क्वेश्चन में दिए गए डाटा को यूज किए, ठीक है, ऐसे आपको चीजें समझना है। और अगर आपको ये तरीका जो है कि कैसे काटा मैंने ये इधर, ये कहां से लाया, ये सब क्या हो रहा है, इसको अगर आपको समझना है तो बिल्कुल आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन करके परचेस करके बिल्कुल आप इस चीजों को सीख सकते हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा समय बचाती है। पेपर में बहुत लोगों समस्या होती है, समय नहीं मिला क्वेश्चन सॉल्व करने का, सबसे मेन रीजन क्वेश्चन बन जाता घर में आकर के, लेकिन वहां पर एग्जाम प्रेशर, कैसे सॉल्व करें, कम समय में कैसे सॉल्व करें, क्वेश्चन बनने से नहीं कितने कम समय में बन रहा है उससे आपका सिलेक्शन होता है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए जितनी मेहनत करेंगे, जितना अच्छा आप मेहनत करेंगे उतना ज्यादा अच्छा कल आउटपुट देंगे। और बिल्कुल मेहनत करने के लिए आपको एक चीज डाटा भी होना चाहिए, तो उसके लिए आपके लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की गई है, उसे दीजिए, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट, आगे अगला क्वेश्चन कौन सा है, लगता है एक क्लास से पूरे क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे तो आगे का बाद में। तीन संख्याएं इस प्रकार है कि उनमें से किसी दो संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योग क्रमशः 197, 183 और 148 होगा। दी गई संख्याओं में सबसे, ये भी बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन लेकिन टफ बिल्कुल नहीं है। तीन संख्याएं हैं, एबीसी मान लो, ए बी सी, इस प्रकार है कि दो को जोड़ूंगा तीसरी संख्या, दो के औसत को तीसरे में जोड़ूंगा, ए प्लस बी के औसत को या हुआ औसत इसको तीसरे में जोड़ूंगा तो प्राप्त योग क्रमशः इस प्रकार से, मतलब ये 197 मिला एक बार 183 मिलेगा और एक बार 148 मिलेगा। इस बार दो को जोड़ा था, अब क्या करता हूं, बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 प्लस ए कर देता हूं, ये मिल गया 183, यहां पे 148 नीचे लिख देता हूं यहां पे। अब ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए कर देता हूं, सी प्लस ए डिवाइड बाय 2 प्लस ए और सी हो चुका है तो बी, ठीक है। तो क्या करना है, प्राप्त दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का औसत क्या है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है देखा जाए तो, हमको ए और बी और सी की वैल्यू निकालना है बस। तो देखो अब वैल्यू निकालना एक काम करते हैं, तीनों को जोड़ता हूं, ठीक है ना। अब तीनों को जोड़ने के लिए मैं डायरेक्टली जोड़ सकता हूं लेकिन थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करना है तो समीकरण ए, समीकरण दो, समीकरण तीन, तीनों समीकरणों को जोड़ दो। वैसे ऐसा कोई लिखता नहीं है पेपर में समीकरण एक दो तीन करके, वो तो एक्सप्लेन कर रहा हूं समझा रहा हूं करके। अब सबको मैं जोड़ूंगा तो देखो ए प्लस बी बाय टू, बी प्लस सी बाय टू, सी प्लस ए बाय टू, सबका एलसीएम 2 आ जाएगा, ठीक। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इसका मतलब ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये हो गया। और यहां ए बी सी मतलब इस प्रकार से प्लस ए प्लस बी प्लस सी मिल गया। और यहां से 7 × 3 = 18 कटा से लाई 1 × 4 = 5 8 = 13 9 = 22 2 × 5 = 2 3 × 5, ठीक है, ये हो गया।
अब ए दो बार है, बी दो बार है, सी दो बार है, मतलब कि टू, ऐसा लिखता हूं, टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय टू, तो टू और टू कट जाएगा, और यहां पर तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 528 है ही, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी मतलब क्या, टू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 528, सही तो है ना, 7 × 10 = 18 कर चलो, एक 10 और 18 = 24 का 2 × 2 = 5 ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी कैलकुलेशन फास्ट रखोगे तभी कुछ मतलब, हाँ यहां से 528 डिवाइड बाय 2, 2 × 4 = 12, 264, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 264 यहां कर देता हूं, ये हो गया ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 264। अब उसको कुछ इक्वेशन मानने की जरूरत नहीं वैसे, अब मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को लेता हूं, इस इक्वेशन को ले लेता हूं ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ये 2c हो जाएगा, अगर इसको मैं एलसीएम लूं तो 2 आएगा ना, तो ये 2c हो जाएगा, 2c, देखो इनका एलसीएम मैंने 2 लिया, मतलब कि ये इस प्रकार से एलसीएम मैंने 2 लिया, फिर a प्लस बी प्लस 2c, या फिर इसको ऐसा भी कर सकता हूं 2c मतलब c प्लस सी होगा, फिर यहां 197। अब देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो मुझे पता है, तो कितनी है 264 है, प्लस सी बराबर 197, डिवाइड बाय 2 था ना, इसको मैं क्या करता हूं उधर ले जा लेता हूं, इंटू 2 कर देता हूं, ये कितना जाएगा, 200 × 400 होता है, 3 × 6 होता है, 400 में 6 कम करूंगा 394 होता है, 264 प्लस सी, अब यहां से 394 माइनस 264 कितना जाएगा, 9 में 6 गया 3, 2 में मतलब 130, तो सी का मान 130 में यहां काट के इसको 130 कर देता हूं, 1 तो मिल गया मुझे ठीक है। चलिए अब वही काम दूसरे के लिए, अब मैं इस इक्वेशन को पकड़ता हूं, इसको पकड़ता हूं, बी प्लस सी प्लस 2a डिवाइड बाय 2 बराबर 183। अब बी प्लस सी, इसको मैं 2a को फिर से वही काम a प्लस सी कर देता हूं, अब ये वाला a प्लस बी प्लस सी का मान तो हम जानते हैं क्या होता है, 264 प्लस a, और ये 2 जो नीचे है इससे गुणा हो जाएगा, 183 इंटू 2 ठीक है, तो यहां से इसको भी मैं 183 × 2 मतलब कि 200 × 417 × 34 400 में 34 कम कर दूंगा, तो 400 में 30 कम करूंगा तो 370 होगा ठीक है, 4 और कम कर दूंगा तो 366 होगा, तो 264 प्लस ए बराबर 366, ए बराबर 366 माइनस 264, 6 × 4 गया तो 6 × 6 = 0, 6×3 = 2 गया तो 102, तो a बराबर क्या आ गया, 102 आ गया। अब देखो a बराबर 102 आ गया, c बराबर मिल चुका है, तो सीधे यहीं से रख पुट कर देता हूं, मिल जाएगा मुझे वैल्यू, a बराबर 102 यहीं पर वैल्यू रख रहा हूं ठीक है ना, अभी a बराबर 102, b मुझे निकालना है, प्लस c बराबर 130 बराबर कितना है 264, तो 102 और 130 मतलब कि 232 बी प्लस 232 बराबर 264, इसका मतलब बी बराबर 264 माइनस 232, इसका मतलब 4 × 2 = 2 और ये हो गया 3, मतलब बी बराबर क्या आ गया 32, सी बराबर 130, बी बराबर 32 और ए बराबर 102। अब हो गया भैया क्वेश्चन सॉल्व, क्या निकालना था, हमको निकालना था कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का औसत, सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें से 130 है सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है 32 है ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का औसत, औसत मतलब दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 × 13 = 16, अब 162 जो आया है औसत निकालने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 × 16 = 2, 81 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटिव था, सिर्फ और सिर्फ इतना लंबा चौड़ा आपको व्हाइट बोर्ड में नजर आ रहा है, केवल और केवल कैलकुलेटिव था, एग्जामिनर आपकी कैलकुलेशन स्पीड को परखने के लिए ऐसा क्वेश्चन देता है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, कितने कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, यही आपको इस प्रकार से डिसाइड करता है कि हाँ आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करने लायक हो या नहीं, तो बिल्कुल आपको करना क्या है, कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी रखना है ठीक है ना, मेरे सिंप्लीफिकेशन की वीडियो में बहुत सारे ट्रिक्स दी हैं जिसको आप देखेंगे आपके लिए फायदा होगा, तो ये तो हो गया आपका एक और क्वेश्चन जिसका आंसर 81 है, ऑप्शन नंबर ए 81। चलिए अब एक काम करता हूं, एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेता हूं,
उसके बाद क्या करूंगा, नेक्स्ट जो है पार्ट टू में कल दे दूंगा आपको, ठीक है ना। कल दोपहर के टाइम पे 2 या 3 बजे कल मैं एक पार्ट टू निकाल दूंगा इसका। अभी पार्ट वन पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है रॉबर्ट को नियमित काम के प्रति घंटे 67 रुपए और ओवर टाइम के प्रति घंटे 134 रुपए मिलते हैं, ठीक। वह कुल मिलाकर 188 घंटे काम करता है और ओवर टाइम से उसकी आय, नियमित काम से उसकी आय का 35% होती है, ठीक है। अधिक नहीं बोल रहा, 35% अधिक, आय का 35% होती है। तो उसने ओवर टाइम के रूप में कितने घंटे काम किए, टोटल 188 घंटे काम किए थे, ठीक है। तो एक तो हम नियमित निकाल लेते हैं, नियमित मान लेते हैं, और एक कर लेते हैं हम ओवर टाइम। ओवर टाइम नियमित मान लेते हैं, अगर वो एक्स घंटे काम करता है तो ओवर टाइम कितना करेगा, 188 माइनस 1, ठीक है। अब नियमित काम के उसको मिलते हैं प्रति घंटे 67 रुपए, ठीक है। नियमित हमने माने कि उसने एक्स घंटे काम किया तो 67 रुपए प्रति घंटे। तो देखिए यहां पर ऐसा मैं ये कहूं, अगर मान लो किसी व्यक्ति को 100 रुपए मिलते हैं 1 घंटे काम करने के, और वो दिन में 8 घंटे काम करता है, मतलब कितनी हुई इसकी आय, 100 गुणित 8, मतलब कि 1 घंटे की आय को कितने घंटे काम किया उससे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहां 67 घंटे काम किया नियमित, इसका मतलब 67 × x, ठीक है। और 67 रुपए मतलब कि 67 रुपए मिले उसको 1 घंटे काम करने के हिसाब से, एक्स घंटे काम करने के हिसाब से, तो उसकी आय क्या हो गई, 67 × x। अब 188 माइनस x क्या है, घंटे है, 188 माइनस x क्या है, घंटे है। तो उसको कितना मिलता है, 1 घंटे का 134 रुपए। ओवर टाइम का 1 घंटे का क्या है, 134 रुपए मिलता है। तो 188 माइनस x घंटे का कितना मिलेगा, 188 माइनस x × 134 रुपए कितना मिलेगा, ठीक है ना। x घंटे काम करता है नियमित और ओवर टाइम काम करता है 188 माइनस x, प्रति घंटे 67 है, तो x घंटे का टोटल कितना आय होगा, 67 x होगा। यहां प्रति घंटे 134 है, तो 188 माइनस x घंटे कितना होगा, 188 माइनस x × 134, ठीक है। अब आगे बढ़ो कि ओवर टाइम से उसकी आय, नियमित काम से उसकी आय का 35%, मतलब अगर मैं इसका 35% ले लूं तो वो इसके बराबर होगा। कहने का मतलब x का 67 35% मतलब 35/100 ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, 188 माइनस x × 134। और यहां से हमको निकालना है 188 माइनस x की वैल्यू निकालना है ना, ओवर टाइम के रूप में कितने घंटे काम किए, तो ओवर टाइम के रूप में 188 माइनस x घंटे काम किए, तो x की वैल्यू निकाल लूंगा, तो आराम से 188 माइनस x निकाल सकता हूं। चलिए ये हो गया इक्वेशन जमाने का, यही था क्वेश्चन की आत्मा, ये थी जो उसके अभी मैंने जो लिखा है यही था सब कुछ, में बस कुछ नहीं है, कैलकुलेशन बहुत ही तगड़ा कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है। कहीं कुछ खतरा उठता नहीं है क्या, कुछ नहीं है, 5 × 35 = 5 ये हो गया। अब यहां से यहां करता हूं, अभी यहां करना ही पड़ेगा दो जगह, x इंटू 67 × 7 = 49 का 9 + 4 7 × 42 और 4 = 46, ठीक है। 7 × 49 = 4 7 × 42 = 46 / 20 188 सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बचा है, गुणित 134, ठीक है, गुणित 20, इसको यहां से हटाओ, ठीक है। अब देखो x गुणित 469 वैसे बराबर क्या करना चाहिए, 134 × 268 मतलब कि 2680 ये आएगा, और ये 188 माइनस x। अब 2680 क्या करना है, इसको चलो मल्टीप्लाई करो, बहुत बड़ा अंक आएगा, कोई बात नहीं, कैलकुलेटिव तो है, तो पहले बताया था मैंने, क्या होगा 9 × 15 = 19 कुछ कटता पिटता भी नहीं है यहाँ पे। तो 188 × 2680 - 2680x ये होगा, ठीक है। चलो इसका मल्टीप्लीकेशन करो, या बहुत सारा 288 × 268 0 को मैं बाद में लगा दूंगा, ये थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है ना। चलो गुणा करते हैं, 8 × 64 = 4 + 6 8 × 48 = 54 + 5 8 × 16 = 21, ठीक है, ठीक। अब ये भी सेम टू सेम रिपीट हो जाएगा, 21 = 44 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 268 × 1 = 268 ही आएगा, 268 4 × 4 = 8 8 × 12 = 13 1 6 × 1 = 7 9 × 10 = 1 2 × 4 = 5 50 384 1 0 और था ये आएगा,
50 38 40 वहां पर 50 38 40 ने बड़े बड़े अंक माइनस 26x को यहां लगता हूं मैं, तो ये 26x प्लस हो जाएगा इसमें 26x 26 80x प्लस 469x बराबर, ठीक है ना। तो यहां से जोड़ देता हूं 26 80 469 कितना आएगा 9 8 14 की 4 3 1 तो 6 7 10 और 11 की 3 31 49 49x बराबर 50 38 40 x बराबर 50 38 40 डिवाइड बाय 31 49। चलो करो इसको, अब आगे 31 49 और ये 50 38 40 कितने में कट सकता है, राउंड ऑफ करना सबसे बेहतरीन मेथड हो सकता है। 1 2 3 अगर मैं इसको करूं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है, और इसको मैं 3 के बाद लगातार 3 जीरो लगा देता हूं, ठीक है ना। तो ये लगभग ऐसा हो जाएगा कि यहां से गया यहां से ये गया 3 से 150 मतलब कि देखो 17 दिया 51, अगर मैं इसको काटता हूं तो लगभग 170 ज्यादा हो जाएगा, तो 100 मतलब 170 तो ज्यादा हो जाएगा, 16 दिया 48 होता है 17 दिया 51 होता है, तो क्यों ना इसको मैं 160 मतलब कि 16 से मल्टीप्लाई करके देखता हूं, 16 से मल्टीप्लाई करूंगा जीरो मतलब कि 16 की जगह 160 से मल्टीप्लाई करके देखूंगा कितना आता है कि नहीं। तो 31 49 गुणित 16 मेरे दिमाग में 16 कहां से आया, इसका मैं कहा इसका मुझे इसको काटना है पूरा, ठीक है ना, इसको मुझे इससे काटना है। 7 चौके 28 6 नहीं 7 से नहीं कटेगा तो पूरा ही कटना काटना पड़ेगा मुझे इसको, और कोई तरीका 13 दूनी 26 5 13 13 चौके 52 2 नहीं उससे भी नहीं, तो मुझे इसका पहाड़ा पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो इसका कितना पहाड़ा पढ़ू कि ये आए। तो मैंने देखा राउंड ऑफ करके देखा कि अगर मैं 3 से काटता हूं तो 3 17 51 आगे चले जा रहा हूं मैं, अगर और देखो यहां पर अंक और बड़ा है, 3 नहीं है, 3 के बाद 149 और है, इसका मतलब अगर मैं 17वां पहाड़ा पढ़ता हूं तो मैं इसको क्रॉस कर जाऊंगा, मुझे क्रॉस नहीं करना है उसके अंदर मतलब उतना ही एग्जैक्टली लाना है। तो 17 ना करके मैं 16 करके देखता हूं, और यहां जीरो लगा हुआ है तो 160 से करके देखता हूं, तो 16 ना करके पहले 16 करता हूं फिर जीरो तो बाद में लगा ही दूंगा। तो देख लेते हैं गुणित 16 करके देखते हैं, 16 नहीं 144 का 4 असिला 14 16 चौके 16 दिन 32 दिन 64 14 68 78 78 का 8 असिला 7 16 का 16 23 का 3 असिला 2 16 3 48 और 2 50 अरे बिल्कुल 50 3 84 बिल्कुल आ रहा है, ठीक है ना, 16 बार में गया था और ये एक जीरो और लगा हुआ है, इसका मतलब 160। तो x का मान कितना आएगा, x का मान कितना आएगा 160 ये आएगा x का मान। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना था फिलहाल। अभी आंसर क्या है, ओवर टाइम का 188 माइनस एक्स, ये हमारा आंसर है। एक्स का मान 160 है तो 188 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, 188 माइनस 160 मतलब कि 28 आवर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा इतनी कैलकुलेशन के बाद, ऑप्शन नंबर बी 28 घंटे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहां मैंने कैसे किया वही बता रहा हूं, जहां पर आपको ऐसा लगता है कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो सकती है तो इसको आप राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करने से हमको एक आसपास की वैल्यू पता चल जाती है, ये जीरो का तो बस जीरो लगाना ही बस था, मुझे ये 16 बार में जाएगा कि 17 बार में जाएगा ये कैसे पता चलेगा। मात्र पहला अंक देखो 3 का पहाड़ा पड़ता हूं 17 51 मैं आगे निकल रहा हूं और 3 के बाद और अंक लिखे हुए हैं, इसका मतलब मैं और भी आगे निकल जाऊंगा। तो 17 ना करके 16 का पहाड़ा पढ़ो, 16 बार में कट रहा था, 1 जीरो लगा था मतलब कि 160 बार में कट रहा था, 160 हमारा x का मान आ गया, ओवर टाइम का घंटा 128 माइनस 60 28 घंटा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये हुए आज के क्वेश्चंस, ठीक है, अभी पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, कल के क्लास में इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो एसीएफ रेंजर के बचे हुए क्वेश्चन है मैं कल की क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।